बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक बार की बात है, कहीं दूर बहुत दूर एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बहती थी। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था, जिस पर बहुत ही खुशमिजाज बंदर रहता था। बंदर पेड़ की लताओं को पकड़कर इधर से उधर और उधर से इधर कूद-फांद करता रहता था, और भूख लगने पर पेड़ की मीठी मीठी जामुन तोड़ता और खा लेता। पूरे दिन के कूद-फांद से थककर रात को मीठी और गहरी नींद में सो जाता। उसी नदी में एक बहुत विशाल मगरमच्छ भी रहता था। बंदर जब भी जामुन खाने लगता, तभी मगरमच्छ उसके पास आ जाता। बंदर मगरमच्छ के लिए भी जामुन तोड़ता और उन्हें नीचे फेंक देता, जिसे मगरमच्छ जल्दी से लपक लेता और बड़े मज़े ने लेकर खाता। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते, एक दूसरे के साथ हंसते और हंसाते। एक दिन बंदर मगरमच्छ को बहुत सारी जामुन देता है। लो मगरमच्छ भाई, इन मीठे जामुनों को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। मगरमच्छ ने जामुन अपने मुंह में रखी और तेजी से अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। यह सोचकर वह अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। उसकी पत्नी जामुनों को देखकर बहुत खुश होती है और डांस करने लगती है। मगरमच्छ जल्दी से उसके हाथ में जामुन देता है। मगरमच्छ की पत्नी जामुन खाती है और बहुत खुश होती है। तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है और वह सोचती है, जो बंदर इन जामुनों को रोज खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उस बंदर का दिल खाना है। उस बंदर को किसी भी तरह मेरे पास लेकर आओ। अरे ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान, तुम जानती हो वह बंदर मेरा परम मित्र है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा सुनकर मगरमच्छ की पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देती है। हार कर मगरमच्छ को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है और वह कहता है, ठीक है, मैं उसे गुफा में लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर उसको मारकर उसका दिल खा लेना। यह सुनकर मगरमच्छ की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ जामुन के पेड़ की तरफ चल देता है। बंदर पेड़ पर सो रहा होता है, तभी मगरमच्छ तैरता हुआ उसके पास आता है और कहता है, बंदर भाई, ओ बंदर भाई। मगरमच्छ की आवाज़ सुनकर बंदर जाग जाता है और कहता है, क्या हुआ मगरमच्छ भाई, आप इस समय कैसे? मेरी पत्नी ने आज तुम्हारे लिए दावत रखी है और तुम्हारे लिए ढेर सारे पकवान बनाए हैं, तुम्हें चलना पड़ेगा। देखो मना मत करना, वरना उसे बहुत दुख होगा। वह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, मैं कैसे नदी पार कर पाऊंगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम उछलकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ, फिर हम दोनों आराम से नदी पार कर लेंगे। मगरमच्छ के जिद करने पर बंदर मान जाता है और कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है और मगरमच्छ उसे अपनी गुफा की ओर ले चलता है। जब वे दोनों बीच नदी में पहुंचते हैं, तो मगरमच्छ उसे अपने इरादे बता देता है, यह सोचकर कि बीच नदी से बंदर भागकर कहां जाएगा। मेरी पत्नी सोचती है कि इतने मीठे मीठे जामुन खाकर तुम्हारा दिल भी बहुत मीठा हो गया होगा, इसलिए वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गुफा तक लेकर जा रहा हूँ।
यह सुनकर बंदर के होश उड़ जाते हैं, पर वह घबराता नहीं है और सोचने लगता है। तभी उसे एक उपाय सोचता है और वह कहता है, अरे मित्र, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही रख कर आ गया ताकि वह नदी के पानी से गीला ना हो जाए। ऐसा करो, तुम वापस पेड़ के पास चलो, मैं वहाँ से दिल ले लूँगा और फिर हम वापस तुम्हारी पत्नी के पास चलेंगे। मगरमच्छ सोचता है, अगर मैं इसका दिल लिए बिना गुफा में गया तो मेरी पत्नी बहुत नाराज हो जाएगी, इसलिए इसका दिल लेने के लिए वापस पेड़ तक तो जाना ही होगा। और वह बंदर को लेकर वापस तैरता हुआ जामुन के पेड़ के पास आता है, और जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचता है, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ जाता है और मगरमच्छ से कहता है, तुम बहुत दुष्ट हो, मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम तो आज मेरी जान ही ले लेते, आज के बाद तुम्हारी मेरी मित्रता हमेशा के लिए खत्म। और मगरमच्छ मुंह लटकाए हाथ मलता हुआ अपनी गुफा की ओर चल देता है। मोरल, मित्र हमेशा सोच समझकर बनाएं तथा विपत्तियों में साहस और बुद्धिमानी से काम लें। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय।